बलरामपुर में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 दलालों को पुलिस के हवाले किया है। कन्नौज में हाईवे पर क्रेन को धक्का लगाते हुए पुलिस नजर आई है। बता दें कि रेस्क्यू के लिए INHAI की क्रेन खराब हो गई, जिससे जाम लग गया, तो पुलिस वालों ने क्रेन को धक्का लगाया और जाम खुलवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रयागराज में पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी नजर आई है। पुलिसकर्मी का भद्दी भद्दी गालियां देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस गालियों के साथ ही मारपीट भी करता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी में सावन महीने में काशी आने वाले श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि आने वाले सावन माह की सुरक्षा के लिए हमको अतिरिक्त पुलिस बल भी प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 एडिशनल SP स्तर के अधिकारी, 7 PAC और अर्धसैनिक बल भी मिले हैं। इनको कई स्थानों पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर QRT दस्ते के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। महिला श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। महाराजगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में बघेला नाले के किनारे पिछले 12 दिनों से लापता 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। मौके पर पहुंचे नौतवा थाना अध्यक्ष मनोज राय ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कहा कि PM की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना कोतवाली में पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाकी पदाधिकारियों का आरोप है कि अटरना गांव के निवासी लूट के आरोपियों को ग्रामीणों द्वारा खुद पुलिस को सौंपा गया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों का फर्जी एनकाउंटर करते हुए उनके पैरों में गोली मार दी। चंदौली में बिजली उपभोक्ताओं ने समय से बिजली न मिलने को लेकर पावर हाउस पर धरना प्रदर्शन करते हुए पावर हाउस के 4 फीटरों को बंद कर दिया। इस दौरान मौके से बिजली विभाग के कर्मचारी भागते हुए नजर आए। महाराजगंज में तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कूली बस ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में फर्जी मुठभेड़ के विरोध में VQ का धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुठभेड़ में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमे की मांग की और कहा कि ऐसा नहीं होने पर कोतवाली परिसर में आवारा पशु भरने का ऐलान किया। उन्नाव में बाग की रखवाली कर रहे किसान पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महोबा में समृद्ध किसान समृद्ध बुंदेलखंड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिप्टी CM महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की किसान हित योजनाओं का बखान किया। वहीं इस दौरान डिप्टी CM ब्रजेश पाठक मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। मुजफ्फरनगर की पुलिस बैकफुट पर आ गई है। अब दुकानों पर नाम लिखना जरूरी नहीं होगा। दुकानों पर नाम लिखने का फरमान वापस लिया गया।